मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है फेलियर में बहुत बैड रहा है, तो जॉब यहाँ पर इतनी आसान नहीं मिलती, खास मैंने करके जिसको बताया ट्रैवल करना है तो सबसे पहले कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिया से। स्पेशल भाई वैन भेजते हैं और आपको पिकअप करते हैं और आपको लेके जाते हैं पहले, और लेके जाने के बाद मान आपको लो जिसको जॉब के पर्पस से आना है, मान लो कहीं देखो हर तरह की ऑडियंस होती है, कई बंदे सोचते भी है यार वहां पे जाके करवा जॉब सकते हैं करना। वर्क परमिट, बट यहाँ पर मोस्टली फ्रॉड होता है, वो चीज से बच के रहना, क्योंकि इनका बिल्कुल भाई बिल्कुल। रिश्वत देनी पड़ती है काम के लिए, तो वो चीज से बच के रहना। आने वाले समय में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिल्लियों में ये वेलकम होता बैक है। टू द चैनल, मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफी बंदे मुझसे पूछ रहे थे थाईलैंड ट्रैवल के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, ठीक है। और मेरे चैनल में भाई रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग शेयर करते रहते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है कि कैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं जिस भी कंट्री उनको जाना है। तो भाई अभी मेरे साथ हैं पारस भाई, जिसने भी जो भी थाईलैंड के व्लॉग्स देखता है, थाईलैंड की वीडियोस देखता है, तो भाई पारस भाई की वीडियो उन्होंने जरूर देखी होगी। तो पारस भाई और जीतू भाई, आप दोनों का स्वागत है भाई सबसे पहले थैंक यू चैनल सो पे। मच भाई, थैंक यू सो मच हाँ फॉर इनवाइटिंग तो मी टू योर चैनल। तो थैंक यू। जो भाई लोग वॉच कर रहे हैं, तो भाई सबका थैंक, हमने इनवाइट किया हमको अपने चैनल पे। तो बताइए बाकी और थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताइए प्लीज। अच्छा सुनो, चलिए हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई ऐसे कि मेरा चैनल काफी भाइयों ने देखा होगा, जो भी मतलब यूट्यूब यूज करता है और अपना बिल्कुल बिल्कुल जो भी बिल्कुल थाईलैंड के बारे में सर्च करता है, तो काफी बिल्कुल भाइयों ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, मतलब पार्टी वार्टी करते हुए काफी बिरला काफी मंदिर में वायरल जाते वीडियोस है हैं। भाई की, भाई इनके तो चैनल बस पे। अपना अपना मतलब कि थोड़ा बहुत दिखाता हूँ यहाँ का एरिया वेरिया, मतलब क्या चल रहा है पताया में, क्या है देखने के लिए। तो मोस्टली जो लोग आते हैं, मतलब वो आते हैं पताया में ट्रैवल करने या बैंकॉक, तो उनको मतलब जैसे अभी यहाँ के और जैसे और प्लेसेस है यहाँ पर प्रोवेंस है, वो पता नहीं है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ वो सारे प्रोवेंस और आपको दिखाऊँ, और थोड़ा सा पहाड़ी साड़ी दिखाऊँ कि आप कैसे पहाड़ी कर सकते हो। तो कोविड में ऐसा था कि यार लोग क्लबों में पार्टी कर नहीं सकते थे, क्लब बंद थे, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा नया ट्रेंड चला दिया कि विला पार्टी। तो विला पार्टी वाला हमने नया चला दिया ट्रेंड। तो मेरा जो ब्लॉग अभी जो मैंने 8 मंथ पहले ब्लॉग बनाया था, उसके अभी 4 लाख के ऊपर व्यूज चुके हैं। आ चुके हैं। तो अपना तो वो ब्लॉग मेरा अभी चल रहा है काफी, और उसके बाद भी मैंने ब्लॉग डाले हैं 2-3 मंथ पहले, तो वो ओके भी ब्लॉग पे काफी व्यूज आ चुके हैं, मतलब काफी लोग तो भाई पसंद कर रहे हैं विला को। हाँ, तो बैक टू बैक भाई के व्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। ए टू हाँ जेड इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी। और अभी जैसे बिल्कुल जीतू और पारस भाई साथ ही हैं, तो मतलब साथ ही मतलब वीडियोस बना रहे हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को लेनी हो थाईलैंड के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, ट्रैवल के बारे में, तो भाई के चैनल पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज भी हाँ पारस चैनल का नाम है, जी हाँ जी। आज भी पारस और फैमिली कंटेंट चाहिए, तो भाई राजस्थानी ट्रैवलर को फाइंड। भाई हमारा जो कंटेंट होता है ना, वो होता है खट्टा मीठा, मतलब आप बाहर से कुछ देखोगे अंदर कुछ और होता है, मतलब गंदा नहीं होता भाई, गंदा मत समझना, अभी मतलब बढ़िया ही होता है, मतलब काफी लोग देखते हैं पसंद करते हैं, पर्सनली मैसेज आते हैं तो वो लाइक करते हैं कंटेंट। तो बाकी भाई को भी अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी अपना प्लेसेस घुमा रहा हूँ, तो भाई भी अभी डालेगा शायद बैक टू बैक, मेरा थोड़ा तो बैक टू बैक आ रहा है। अभी आज मैंने बैंकॉक से लगा के नाना प्लाजा के वाया ट्रेन से जाने का वीडियो ब्लॉग डाला है मैंने। ओके ओके तो मतलब मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, कोई भी है बिल्कुल यहाँ पे अभी बिल्कुल कैसे चीपर में ट्रैवल कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट थाईलैंड भाई लोग तो ये भाई आते देखो हैं मैं या आपको सारे बता दूं, घूमते रहते पारस जो है भाई, पारस काफी टाइम से थाईलैंड में है, तो इनको ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है वहां पे ए टू जेड कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मतलब आप फन कर सकते हो, कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, कहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, कहाँ पे ट्रैवल स्मूथ है, कहाँ पे नहीं है, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनसे बिल्कुल। मिल जाएगी आपको। तो भाई पारस भाई अभी के टाइम अगर बात करें, जैसे अभी जनवरी है, ठीक है, 19th 20th of January, तो अभी के टाइम में जिसको ट्रैवल करना है तो सबसे पहले कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिया से ट्रैवल करने के। हमने एक वीडियो बना इंडिया चुकी है ऑलरेडी जीतो के साथ, बट आप बताओगे एक बार उसको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी तो जैसे देखो भाई, जो इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे प्रेजेंट, तो उनको चाहिए पहले तो पास चाहिए ना, तो टिकट आने जाने की वो तो कंपलसरी है, ठीक है। अगर कोई इंडिया से वीजा ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऑन अराइवल वीजा 2012 में मिल रहा है, और प्लस इंश्योरेंस चाहिए, और उसके बाद आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, 5 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको टोटल। तो थाई पास जो है वो मेन है, तो थाई पास अगर नहीं होगा तो आप नहीं आ सकते यहाँ पर, और थाई तो पास आपको के एंट्री लिए चेक करना सारी पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन वो पहले ही प्रिपेयर करनी पड़ती है, राइट। हाँ ये सब कुछ आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, और थाई पास आपको मिल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट अभी इन्होंने शायद थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया है। और अपना सैंडबॉक्स, शायद सैंडबॉक्स प्लान स्टार्ट होगा बहुत जल्द, तो नहीं सैंडबॉक्स प्लान नहीं फुकेट में अभी फिर स्टार्ट से है। शुरू से कोई नया प्लान आएगा, तो सैंडबॉक्स प्लान जो फुकेट का अभी चालू हो रहा है और बैंकॉक का भी शायद हो सकता है, बट
2028 तक शायद उन्होंने अपना मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया से फ्लाइट अभी नहीं आ रही क्योंकि कोरोना बहुत फैल चुका है, तो सैंडबॉक्स में 7 दिन का क्वारंटीन होगा, मतलब सिर्फ आप सिटी में कर सकते हैं क्वारंटीन, अपने होटल में किसी को लेके नहीं जा सकते, तो 7 दिन का पता नहीं कितना एक्सपेंस होगा वो आपको पता करना पड़ेगा, जो भी भाई यहाँ पर आ रहे हैं सबसे पहले आप पता करो कि कितना एक्सपेंस है, कितने का होटल है, तो वो आपके ऊपर है। ओके ओके ओके, तो भाई अभी आप भी बता रहे थे मुझे एक लेटेस्ट अपडेट जो आज ही मतलब डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे कि भाई अभी जो ट्रैवल है वो बंद कर दिया है मतलब इंडियंस के लिए अभी, तो इसके बारे में बताओ यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुआ, जो मतलब लोग अभी भी आ रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं, वीक में 2 फ्लाइट चल रही है इंडिया से, तो वो आज आ रहे हैं लोग, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एंड अभी क्या होगा, अभी आप फुकेट आ सकते हो, फुकेट सैंडबॉक्स में आ सकते हो, कोई वो आपको टिकट थोड़ी महंगी पड़ेगी, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट करवाएंगे क्योंकि हमको आउट करेंगे कंट्री, जैसे कंबोडिया वगैरह जाएंगे तो आउट करनी पड़ेगी फुकेट, तो उसके लिए आपको आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिए, तो अगर कुछ भाइयों को नहीं पता होगा अभी आप वो वाला टेस्ट चीप पड़ेगा, मतलब अगर बैंकॉक हॉस्पिटल जाते हो 3,000 बाट का पड़ता है वो टाइम सेम लगता है। ओके ओके ओके, और रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाती है? 6 घंटे में रिपोर्ट। देखो पता ही है, मैं किसी को टेस्ट करना हो ना तो मैंने एक वीडियो डाल दिया है लाइव कैसे टेस्ट करे वो 1500 बाट में होता है, बट बैंकॉक का टेस्ट का मेरे पास वीडियो नहीं है, तो उसका नहीं, बैंकॉक हॉस्पिटल में थोड़ा सा महंगा है, 2900 बाट की मतलब 2900 बाट लेते हैं टेस्ट का। और अभी अभी क्या जो जो MMT वगैरह पे पैकेज मिल रहे हैं जैसे 7 डेज का सैंडबॉक्स मिलता है पैकेज, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे बंदा मतलब फुकेट में आया, फुकेट में घूमा फिरा और देन वापिस वो इंडिया आ गया, तो उसमें उसको टेस्ट भी फुकेट में ही कराना पड़ेगा वो, तो उसमें वहां पे जो टेस्ट होता है, वहां पे जो टेस्ट होता है जो आप बता रहे हो मुझे, वो लैब्स में होता है, प्राइवेट लैब्स में, या फिर जो क्वारंटीन हॉस्पिटल होते हैं ना जिन्होंने जहां पर आप क्वारंटीन करते हो, जैसे कोई आता है ये स्पेशली वैन भेजते हैं, स्पेशल वैन भेजते हैं और आपको पिकअप करते हैं और आपको लेके जाते हैं पहले, और लेके जाने के बाद आपको आपका वो टेस्ट करते हैं वहां पर ही, जहाँ पर होटल है या कोई प्राइवेट प्लेस होगी जहाँ पर वो करते होंगे, फिर वो आपका टेस्ट ले जाते हैं, फिर आपको वो होटल में क्वारंटीन कर देते हैं 1 दिन के लिए, तो वो आपकी रिपोर्ट आ जाती है 6-7 घंटे में, तो आप मतलब फिर उसके बाद फ्री हो, अगर आपकी नेगेटिव आ गई रिपोर्ट तो आप फ्री है उसके बाद, आप बाहर जाओ घूमो, बट फुकेट से आप बाहर नहीं जा सकते, ये फुकेट का बता रहा हूँ, बैंक थाईलैंड में अभी बैंकॉक में ऐसा था कि 1 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती थी, फिर आप कहीं भी जाओ। ओके ओके ओके, और अभी जो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाई है जो आप बता रहे थे मुझे, तो ये मतलब इसके बारे में बताओ थोड़ा, कितने दिन की है और कब तक क्या हो सकता है, मतलब अभी के टाइम में अगर किसी को मान लो ट्रैवल करना है आज के टाइम में तो वो क्या बंद है, मतलब अगर आज की बात करें जैसे 20th जनवरी को तो अभी बंद है, अभी के टाइम में बंद है, अभी तो मेरे को सुनने में आया 3-4 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट आएगी, वैसे तो आज न्यूज आ चुकी है भी इंडिया से फ्लाइट बंद कर देंगे थोड़े टाइम तक, क्योंकि इंडिया में भी जो नया वायरस आया ओमिक्रॉन, तो वो बहुत फैल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है बाजी, देखो इतना वायरस इतना डेंजरस नहीं है, सिर्फ एक सही में बताऊं तो हवाई है, बस ये हवाई है, कुछ है नहीं, हवाई होकर चला भी गया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, अच्छा हुआ था, कितनी देर में रिकवरी हो गई, कितनी देर में रिकवरी हो, रिकवरी कितने दिन में होगी? देखो सिर्फ न्यूज में आज वाले ही होते हैं जो ज्यादा मतलब, तो रिकवरी कितने दिन में हो गई थी आपकी? रिकवरी भाई देखो अपने ऊपर है, आपकी इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग है, ये भाई को भी शायद कोरोना हुआ है और मेरी बॉडी से भी कोरोना होके निकल चुका है, जो ये जो 1 तारीख थी ना उसमें ऑलमोस्ट पता है कि लोगों को कोरोना, ऑलमोस्ट ना मैं कंप्लीट नहीं बोलूंगा, इसमें क्वेश्चन है, काफी लोगों को कोरोना होके बॉडी से निकल गया, हमारे में एंटीबॉडी थी, वैक्सीन लगी थी, इसके लिए हम बच गए, बाकी जो मेरा दोस्त था वो हम लोग से मिला उसका पॉजिटिव आ गया यार, उससे आज हाथ मिलाए गले मिले उसी दिन पॉजिटिव। ओके ओके ओके, ये चक्कर था। अच्छा बाकी अपना देखो भाई जो बंदे हैं, मैं अभी अपना क्या कहना चाहता हूँ, सॉरी जिनको भी मिले थे सबको भाई पॉजिटिव निकला था, मतलब मेरे को मैंने भी चेक किया बट मेरा नेगेटिव था। ओके 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 ओके, अच्छा भारत भाई अभी के टाइम में अगर बात करें तो अभी के टाइम में वहां पे क्या सिचुएशन है, मतलब फुकेट में जहाँ पे आप हो, अपना जैसे लोकल अगर किसी को ट्रैवल, नाइट लाइफ तो देखो भाई पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं है, पहले तो ऐसे था कि रात 8 बजे के बाद सब कुछ स्टार्ट होता था, तो अभी ऐसे है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर सब सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि पहले की तरह कुछ रहा ही नहीं कोविड के बाद, तो
पहले की तरह कुछ नहीं था। न्यू ईयर में थोड़ा बहुत क्राउड वो अपना मतलब काफी लोगों ने देखी होंगी वीडियो हमारी रील्स जो कि हमने डाली है, बिल्कुल तो बिल्कुल न्यू ईयर पर थोड़ा क्राउड था, अभी बिल्कुल क्राउड नहीं है, अभी सिर्फ ट्री टाउन में थोड़ा बहुत क्राउड होता है, अदरवाइज इतना क्राउड नहीं है। ओके 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 तो भाई ये इन्होंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है अभी कि भाई जिसको भी ट्रैवल करना है वो कैसे ट्रैवल कर सकता है, क्या क्वारंटाइन रूल है, और मतलब प्राइसेस भी इन्होंने बता दिए कि कैसे कितना। अच्छा अगर अभी भाई जैसे फ्लाइट की कॉस्टिंग की बात करें कि फ्लाइट जो पैकेजेस भी देखो मिल रहे हैं, बट अगर कोई सोलो खुद से प्लान कर रहा है ट्रिप तो फ्लाइट का कितना ऑस्टिमेट आ जाता है अभी, मतलब कितना पड़ जाता है फ्लाइट? अभी तो फिलहाल जो है अभी देखो प्राइस के जो प्राइस प्राइस है अभी का जो प्राइस है 25-30 हजार आने जाने का भी आ रहा है प्रेजेंट, मतलब ठीक है पहले तो बहुत महंगा था, पहले तो 60-60 हजार की फ्लाइट आ रही थी आने जाने की, प्राइस कम हो रहा है अभी, थोड़ा टाइम लगेगा वो भी आ जाएगी 8 हजार वाली फ्लाइट आ जाएगी। हाँ वो जो पहले आती थी जो कोविड से 4 हजार में थाईलैंड एक बार, तो उसमें उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन राइट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी सही हो जाएगा सब कुछ आने वाले समय में, बस यही है कि जो भाई ट्रैवल कर रहे हैं प्रेजेंट अभी थोड़े दिन के बाद ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा, ट्रैवल करो सेफ तरीके से करो और अपना बच के रहो, मतलब मास्क वास्क डालो, क्योंकि अगर कोई 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा है ना तो उसको वापस भी जाना है, तो बिल्कुल बिल्कुल प्रिकॉशन ले लो भाई, किसी को मिलो ही मत और मास्क वगैरह डालो अपना। तो मतलब अभी अगर अगर भाई ज्यादा सेफ्टी से ट्रैवल कर सकोगे तो ही ठीक है, अदरवाइज जैसे मान लो कोई पॉजिटिव पॉजिटिव आने के पूरे पूरे चांस है राइट? हाँ आपको पता नहीं चलेगा 60% चांस है आपके आने, 60-80% चांस है। पारस भाई मान लो जिसको जॉब के पर्पज से आना है, मान लो कहीं देखो हर तरह की ऑडियंस होती है, कई बंदे सोचते भी है यार वहां पे जाके जॉब कर ले, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, क्योंकि आप इस चीज को अच्छे से बता सकते हो? पर ये ऐसे है कि देखो मैं मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है फेलियर में बहुत बैठ रहा है, तो जॉब यहाँ पर इतनी आसान नहीं मिलती, खास करके पताया में, क्योंकि पताया में यहाँ पर रेस्टोरेंट में मिलेगी आपको जॉब ठीक है, और यहाँ तो मिलेगी आपको नाइट क्लब में ठीक है, तो एज ए प्रमोटर मिलेगी आपको जॉब, तो मतलब पताया में बोल रहा हूँ, अगर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो कोई, अगर किसी के पास डिग्री है या कोई मतलब मास्टर डिग्री या कुछ भी, तो वो भाई लोग यहाँ पर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर काफी कंपनीज है जिनमें आपको जॉब मिल जाएगी, काफी भाई करते हैं, बट जो टूरिस्ट वीजा पे आगे यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ है, टूरिस्ट वीजा से आप कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क परमिट, बट यहाँ पर मोस्टली फ्रॉड होता है वो चीज से बच के रहना। बिल्कुल बिल्कुल फ्रॉड होता है, मेरे साथ हो चुका है वो चीज, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत बैड रहा, काम काम भी ढूंढा भाई, रिश्वत देनी पड़ती है काम के लिए, तो चीज से बच के रहना, आने वाले समय में शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिल्लियों में ये हो चुका है लोग रिश्वत लेते हैं काम पे रखने के लिए, तो अगर आप वॉकिंग शिफ्ट में कहीं काम कर रहे हो तो मोस्टली अगर आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो तो आपको काम मिल जाएगा खाना मिल जाएगा, बट वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपको, वर्क परमिट इतना ईजी नहीं है यहाँ पर लेना, तो ये चीजें आप अगर इंडिया से आ रहे हो यहाँ पर वर्क करना है तो सबसे पहले आप सर्वे करो यहाँ पर घूमो देखो लोगों को मिलो और अपना मतलब सबसे मिलो, तो कोई ना कोई आपको बढ़िया गाइड करेगा, कोई ना कोई बढ़िया बंदा मिलेगा आपको जो आपको बढ़िया गाइड करेगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे को लोग पूछते हैं कि भाई काम पे लगवा दो, मैं अप्लाई नहीं करता क्योंकि यार मैंने वो टाइम देखे भाई अपने, बिल्कुल बिल्कुल कैसे मैंने स्ट्रगल किया उस टाइम में, और उसके बाद यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया, तो अभी ठीक है सब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखो पारस भाई आप वहाँ पे काफी टाइम से हो और आपसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं सकता, तो ऐसे भाई ये था कि मान लो कि चलो अगर मान लो किसी ने 12th कर रखी है, देखो हर तरह की ऑडियंस होती है, 12th किसी ने कर रखी है, अगर वो सोचे कि भाई मैं वहां पे जाके जॉब कर लूं तो क्या पॉसिबल होएगा उसके लिए? हाँ अगर आपको कोई जानता है, अगर मान लो कि आपका नोन है यहाँ पर, अगर कोई किसी को आप जानते हो, बट आपने करना क्या है जॉब यहाँ पर, पताया में तो आपको भाई रेस्टोरेंट या अगर वॉकिंग सीट में कोई प्रमोटर की जॉब मिलेगी, बट उसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैनेजर लग जाऊंगा कहीं या मैं कोई ऑफिस में लग जाऊंगा, वो जॉब नहीं मिलेगी आपको पताया में, पताया एक विलेज है और ये सिर्फ टूरिस्ट प्रोविंस है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर मोस्टली क्या होता है रेस्टोरेंट का काम चलता है, नाइट क्लबों का काम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने काम करना है तो बैंकॉक में कर सकते हो, और ये भी रिस्क है यहाँ पर, अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि कहीं भी नहीं कर सकते आप, कहीं भी नहीं कर सकते, सही बात है सही बात है। ये तो काफी भाई आना चाहते हैं, काफी भाई मुझे पूछते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता क्योंकि यार रिप्लाई करके थक गया हूं यार सबको यार, नहीं नहीं सही बात है, बहुत सारे मैसेज आते होंगे आपके पास भाई, हम समझ सकते हैं, कॉल मैसेज आते हैं मुझे काम के। अच्छा अच्छा पारस भाई ये बताइए कि अगर मान लो नॉर्मल अगर सैलरी की बात करें ठीक है, लो लेवल पे
तो सैलरी कितनी मिल जाती है ऑलमोस्ट? सैलरी भाई देखो, अगर मान लो मैं आया हूँ टूरिस्ट वीजे पे काम करने यहाँ पर, और मेरे को मिल गई है जॉब रेस्टोरेंट में, तो मेरी सैलरी होगी सिर्फ 12,000 बाट। तो मतलब 20 20 20 प्लस हो गई है ना इंडियन रुपीज में, INR की बात हाँ करें तो? मतलब इंडिया के वही लगा लो 25 से 26 हजार रुपए। हाँ, 25 26 हजार और रुपये तो खाना भी देंगे रेस्टोरेंट वाले यहाँ, मतलब कुछ ऐसे, मतलब आपके ऊपर है आप कौन सी जॉब ढूंढ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो बाकी तो भाई जॉब देखो, इतनी मिलती नहीं यहाँ पर, बाकी मतलब अभी फिलहाल तो जॉब है नहीं यहाँ पर, तो जॉब इतनी आसान नहीं मिलती अभी यहाँ पर, ओके। तो अभी शायद काम तो स्टार्ट हो गए नहीं, हैं। अभी तो खैर इंडिया में ही मुश्किल हो रहा है भाई, वहां पे तो कहाँ मिलेगी। नहीं, राइट। अभी काफी लोग शायद आपके चैनल पे होंगे जो कि अपना थाईलैंड में जॉब करना चाहते हाँ हैं, हाँ क्योंकि बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। यहाँ पर बहुत माड़े हाल हैं, तो मतलब अभी यहाँ पर आगे जॉब करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई पैसे खर्च के आएगा इंडिया से तो उसको पहले ही पता होना चाहिए यहाँ पर तो काम है ही नहीं, अभी इंडिया हाँ नहीं में नहीं तो रेस्टोरेंट इसीलिए मतलब भी इसीलिए खुले। हाँ, बिल्कुल तो भाई। इसका देखो थोड़ा पार्थ भाई, अभी अभी आप जैसे लाइव हो मेरे साथ वीडियोस में, कई सारे बंदे जो आपके चैनल को देखते हैं आपसे मतलब इस तरीके के क्वेश्चन करने की सोच रहे होंगे, तो उनको भी रिप्लाई मिल जाएगा। राइट। बिल्कुल। हाँ, हाँ तो ये चीज़ है भाई, अभी रियलिटी इन्होंने बता दी है, काफ़ी टाइम से थाईलैंड में है और लाइफस्टाइल दिखाते रहते हैं, ठीक है, हर चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, और ये भी इन्होंने बता दिया कि जॉब्स का अभी ये हाल है, क्योंकि कई बंदे सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाके जॉब करें तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो अभी के टाइम में भाई ये प्लान अभी आप कैंसिल करोगे तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी अभी वहाँ पे है नहीं। राइट पारस भाई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, बस सेफली ट्रैवल करो अपना, और सारे डॉक्यूमेंट रखो अपने पास, और बस सेफ्टी रखो अपनी, बस मेन ये अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि फिलहाल के लिए यही है, थाईलैंड मेडिकल बहुत महंगा है। बहुत महंगा, बहुत महंगा। और भाई ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ओमिक्रॉन चल रहा है, कहीं पे भी आप पॉजिटिव आ सकते हो, कहीं बिल्कुल पे भी बिल्कुल पॉजिटिव भाई आ सकते बिल्कुल, हो। 100%। हाँ, तो ये है, तो ठीक है पारस भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और भाई इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो, और जिनको भी बिल्कुल ट्रैवल करना बिल्कुल है थाईलैंड में वो आ सकें। भाई, तो इसका खाना ठंडा हो रहा है भाई का। कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, ठीक है। अपना थैंक यू सो मच यार, हाँ, आपने इनवाइट बाकी किया अपने चैनल पे, और अपना थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, कराओ बताया मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पारस भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके टिल भाई, देन ओके। टेक।